हरि अनंत हरि कथा अनंता। मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं करती, और इसके कई कारण हैं, किंतु आप लोगों के विशेष आग्रह पर मैं ये अनुभव साझा कर रही हूँ। जितनी डिटेल हो सके मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। कुछ अनुभव जो मुझे श्री माँ के साथ हुए थे वो मैं पहले से ही अपलोड कर चुकी हूँ, और ये अनुभव मैंने एक प्लेलिस्ट में डाले हैं जिस प्लेलिस्ट का नाम है मेरे व्यक्तिगत अनुभव, माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस। आप लोग सुन सकते हैं। प्रभु के प्रेम की बात ही निराली है। आज की तारीख में ये कल्पना कर पाना ही संभव नहीं लगता कि महाराज जी के बगैर भी जीवन हो सकता है। वर्ष 1995 के आसपास रहा होगा जब मैं महाराज जी के संपर्क में आई, या फिर यूँ कहें कि महाराज जी ने मेरा हाथ थामा। मेरी मम्मी को किसी ने अनंत कथामृत नामक पुस्तक दी थी पढ़ने को, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, जिसमें ये बताया था कि महाराज जी ने कब और कैसे मुझे अपनी शरण में लिया। मेरी मम्मी संतों की जीवनियां तो पढ़ती ही थी, काफ़ी आध्यात्मिक किस्म की महिला थी वो, और उस किताब में से बाबा की लीलाएं पढ़कर वो मुझे सुनाया करती थी। पहली बार मैं उन्हीं के साथ वृंदावन आश्रम गई थी, या महाराज जी ने पहली बार उन्हीं के साथ मुझे वृंदावन आश्रम बुलाया था। पीछे वाला रूम मिला था हमें, फर्श पर दरी बिछी हुई थी, बहुत मच्छर थे और अंधेरा भी काफ़ी था। चौकीदार की सीटी बज रही थी और मैं अनजान जगह पर डर के मारे कांप रही थी। मम्मी को देखा तो वो आराम से सो रही थी। मैं करवट लेकर सोने की कोशिश में थी और मन ही मन सोच रही थी कि क्यों आ गई मैं यहाँ पर। इतने में मुझे लगा कि किसी ने पीछे से मेरा तकिया प्यार से खींचा और मुझसे कहा, डर मत, सो जा। उसके बाद मुझे बहुत ही चैन की नींद आई और मेरी आँख सवेरे ही खुली। कौन हो सकते थे वो महाराज जी के सिवा। अगले कुछ वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि महाराज जी ने किस तरह से मेरी श्रद्धा और मेरा विश्वास बढ़ाते गए और मुझे अपने और नज़दीक और नज़दीक और नज़दीक लाते गए। इतना ज़्यादा अरसा हो चुका है और इतने ज़्यादा अनुभव हो चुके हैं कि अब उनका क्रम भी याद नहीं है और सारे अनुभव भी याद नहीं हैं, पर जैसे जैसे जो जो अनुभव जिस भी क्रम में मुझे याद आता जाएगा मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी।